बहुत लो है, लो प्रेशर है। वो उस दिन गया था पोस्ट ऑफिस में, फिंगर प्रिंट नहीं हुआ है, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नमस्कार कोलम भाई, वेलकम बैक टू माय डेस्टिनी। प्रिय दर्शकों, मैं बहुत दिन के बाद एक आज ताज़ा वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वही है, हम बहुत बिजी था क्योंकि डिपार्टमेंट का जो भी काम है, हम फिल्म में विजिट कर रहा था। जैसे पीएम किसान जो भी सौदों भी किस्ती जो देने वाला है पीएम मोदी ने, तो इस वजह से हम फिल्म विजिट कर रहे, घर कर दूर तो दूर हम मोबिलाइज कर रहा है ई के सी करने को, और IPPP अकाउंट मतलब बैंक आधार लिंकेज फैला रहे। इसी कारण हम लोगों को जगा रहा है पोस्ट ऑफिस में जीरो अकाउंट बनाने के लिए। तो अभी ऐसा हो गया, और बीच में आज ऐसा हो गया, पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा बारिश होने के कारण काम ने बहुत रुका बुलाया, और किसान भाइयों का भी खेतों में बहुत काम चल रहा है। और ऐसा व्यक्ति है जिन लोगों का बीमार है, उन लोगों का घर से बाहर निकल के जैसे पोस्ट ऑफिस ने EKIC जहाँ बनाता है सेंटर पर जा कर के काम करना बहुत मुश्किल हो गया। आज मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसे ला रहा हूँ जिससे घर में जाएंगे आप लोग को हम दिखाने कोशिश करेंगे। आप लोग खे जाइए, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग देख कर के दिल टहल जाएगी। ये दिखिए वो, मैं अभी दोनों सरपेट यानी सेना से घर में जा रहा हूँ। रास्ता में ऐसी स्थितियाँ मुझे सामना करना पड़ा, हेवी रेन फॉल होने की वजह से मुझे 1 घंटा तक रुकना पूरा रास्ते में। तो ये बारिश छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह हुआ सीन 16 जून का सीन है। भारी, एक्चुअली ये भारी बारिश अब तक ये जंग महीने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसान भाई के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि पिछले कोई सप्ताह से वर्षा नहीं हो रहा था। अभी वर्षा हो रहा है तो बहुत सुकून मिल रहा है किसान भाई को। गाइस, मैं अभी ये साइना सिगुरी यानी 2 नंबर सड़क करते हूँ। यहाँ एक गरीब लोग है, वह मैं जा रहा हूँ घर, आप लोगों को हम दिखाएंगे। मतलब सुबह सुबह से जा रहा हूँ, इसको मैंने नहीं बताया क्योंकि इसके पास फोन भी नहीं है। तो इसका क्या है अकाउंट और KYC करने का पूरा पेंडिंग काम है, तो मैं आप लोगों को दिखाएंगे सामने जाकर। आप लोग दिखते रहिए। देखिए ये हाल है भाई, बहुत लो है, लो प्रेशर है। वो उस दिन गया था पोस्ट ऑफिस में, फिंगर प्रिंट नहीं हुआ है, इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। पूरा प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये बोला है फिंगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसका हालत बहुत ख़राब है। लगता है इसका फिंगर का जो भी जो आंकड़ा होता है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। घर में कोई नहीं, सरा है बेचारा, क्या करेगा, इसको तो देखना पड़ेगा। हम जैसे सरकारी लोग सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसका तो हालत बहुत ख़राब है, उसको थोड़ा हेल्प चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिय दर्शकों, मैं अभी शिशुबाड़ी 1 नंबर गार्जासाली और 3 नंबर शिशुबाड़ी तो मैदान पे हूँ। ये तमाम जो एरिया जो खासीबन आप लोग जो दे रही है देख रही है, जो आप लोग जो तमाम ये खासीबन एरिया देख रही है, ये पिछले 2019 में जो भी ये आई नदी और सारा जिलिंग 2 रुपये का सच मिला हुआ था, तो इस वक्त जो तमाम जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बैल गाय देख रहे हैं, वो खेत का मैदान था पहले। यह मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप और धान का भी खेत करता था पहले। यह अभी पूरा ऐसे बेकार ज़मीन हो गया, यह सिर्फ खसी बन ही दिखाई देता है। बात यह कि हम आज 21 जून तारीख को इस धरती पे इस जगह पे मौजूद हूँ क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मौसम मतलब जून में 15 तारीख से मौसम लगा हुआ है और भारी वर्षा भी हो रहा है, और इसके कारण आप लोग देखिए ये आई नदी का पानी है और ये सारा जिलिंग नदी से वो लग जाएंगे। अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये नदी का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सबमर्जेंस नहीं हुआ, और जब सबमर्जेंस मतलब फ्लड हो जाएगा, आई नदी का पानी जो पूरा भर जाएगा, तो इस इलाका पूरा सागर जिखा जैसा साडा पूरा सोपेट में आ जाएगी, बाढ़ के सोपेट में सब आ जाएगी, पूरा सोपेट सोपेट देखेंगे, पूरा बाढ़ सागर जैसा परिवेश हो जाता है इन अंचल में। तो यही सीन है, आज 18 तारीख है आज तक। मैं अभी आप लोगों को RIDF का एक सोलर सिस्टम दिखा रहा हूँ। 55,000 का है ये सेट सोलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेट। अच्छा, माने वाटर सरफेस मशीन।
वाटर संवर्धन है ये, और इसका ठगुआ तालाब फिशर ये है, बहुत बड़ा है ये, मतलब 12 बीघा 1.5 हेक्टर से ज़्यादा है, 12 बीघा एरिया। यह तालाब लगा हुआ है, बहुत बढ़िया फिशरी बने हुआ है, और ये नया है, इस बार ही लगा है ये फिशरी, पता नहीं कितना बड़ा हो गया, क्रसकर भी हो सही, और यह गोबर भी जमा हुआ है, क्योंकि गोबर देने से अभी दोस्तों देखिए ये नज़ारा बहुत हमारे देश के लिए, मतलब हमारे देश में इसको हर जगह में दिखाई जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हमारा इंडिया फार्मिंग कंट्री है, बेसन फार्मिंग कंट्री, 60-70% मैं तो दावा के साथ कहता हूँ 70% फार्मिंग पे निर्भर करता है, और 30% जैसे बिजनेस और कोई नौकरी करता है। और ये नज़ारा देखिए, यह ट्रांसप्लांटेशन सीन है, और हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी हमारे इंडिया में हर जगह में ड्रॉट टॉलरेंट और फ्लड टॉलरेंट वेरिटी ऑफ द फीडी का बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कभी भी कहीं भी ड्रॉट और फ्लड के सामना करना पड़ता है, इसलिए ये दोनों वेरिटी जैसे फ्लड टॉलरेंट और ड्रॉट टॉलरेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए किसान भाइयों ड्रॉट टॉलरेंट और फ्लड टॉलरेंट वेरिटी लगाना चाहिए खेत में। मेरे प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो मेरा इतना ही है, तो मेरा वीडियो देखकर के अगर अच्छा लगे तो लाइक भी शेयर करो, अगर नहीं आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नया अपडेट दे सकूँ, और मेरा नया अपडेट ताकि तुरंत आप तक पहुँचे। तो इतना ही है, सी यू नेक्स्ट वीडियो।